हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। आज इसी वीडियो में बताएंगे आप अपने फ़ोन के अंदर कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डायलर ओपन कर लेना है। जब अपना डायलर ओपन कर लेते हैं तो राइट साइड में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स आपको ऑप्शन हो जाते हैं, सेटिंग में जाएंगे आप यहाँ से। जब आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको ब्लॉक नंबर्स। अगर आपको कोई नंबर ब्लॉक करना है तो यहाँ से जाके ब्लॉक कॉल फ्रॉम अननोन नंबर, अननोन नंबर की कॉल आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको इसे ऑफ करना हो तो यहीं से आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ मिल जाता है ब्लॉक कॉल, स्पैम कॉल्स, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जिसे आप यहाँ से ऑन कर देंगे। जो आपकी स्पैम कॉल होती हैं वो सारी आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक कॉल, स्पैम कॉल एंड स्पैम मिल जाती हैं। इसके बाद आपको ओनली ब्लॉक हाई रिस्क स्कैम कॉल, अगर आपको हाई रिस्क वाली ब्लॉक करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे चाहें तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अगर आपके पास कोई पर्सनल नंबर है तो आपको यहाँ जाना है और इसे आपको यहाँ से एंटर कर देना है और इस नंबर को आपको ब्लॉक कर देने का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो इसे आप ब्लॉक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। रिसेंट में से एक नंबर हो उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में अगर कोई नंबर हो उसे भी आप कॉन्टैक्ट में से ब्लॉक कर सकते हैं। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन, इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर काम करता है, सेम वैसे ही आपके फ़ोन के अंदर ये काम करता है, जिससे भी आप किसी की भी कॉल को ट्रैक कर सकते हैं। स्पैम कॉल वगैरह होती है वो पहले आपको ये बता देता है नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, रिकॉर्ड कॉल्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, इसे आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने बाद आपके फ़ोन के अंदर जो कॉल की रिकॉर्ड की होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऑटो कॉल रिकॉर्ड, इसे आप कॉल रिकॉर्डिंग को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। विदाउट नोटिफिकेशन आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी की वो कोई बता भी नहीं चलेगी, आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बाबू सोना की। उसके बाद आपको यह ऑप्शन मिल जाता है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑल कॉल, अगर आपको कुछ स्पेशल कॉल रिकॉर्ड करनी है, जैसे कॉल विद स्पेसिफिक नंबर, कॉल विद अनसेव नंबर, जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है अगर उनकी कॉल रिकॉर्ड करनी है तो इस पर आपको क्लिक कर देना, उनकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्पेसिफिक नंबर की करनी है तो उसकी कर सकते हैं। अगर ऑल कॉल रिकॉर्ड करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यह मिल जाता है आपको कॉल बैकग्राउंड, कॉल बैकग्राउंड पे आ जाएंगे, इसमें आपको कॉल बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आपका इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, तो लेआउट आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से कर सकते हैं, इसे आपको इस पर भी सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। बैकग्राउंड पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से अपनी कोई भी वीडियो सेट कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो सेट कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल में कोई वीडियो हो तो प्लस के आइकन पर जाके अपनी फाइल में से कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, अपनी गैलरी में से, जो भी आपकी गैलरी में हो तो वहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमारी गैलरी में कोई वीडियो नहीं है, इसलिए आप वहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। जो वीडियो अगर इसमें से चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो हम अपने बैकग्राउंड पर सेट कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल अलार्ट एंड रिंगटोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको जिसकी ज़रूरत हो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपसे सेट कर सकते हैं। वाइब्रेट बैन आंसर, इसे ऑन करने से जब अपनी कॉल आंसर करते हैं तो आपके फ़ोन में वाइब्रेशन होता है, ताकि आपको पता लगे कॉल आंसर हो चुकी है। वाइब्रेट एंड कॉल, जब आपकी कॉल एंड करते हैं तब भी आपके फ़ोन में वाइब्रेशन होगा। प्ले टोन बैन कॉल कनेक्ट, जब आपकी कॉल कनेक्ट होगी तब आपको एक साउंड सुनाई देगा अपने फ़ोन के अंदर कि आपकी कॉल कनेक्ट हो चुकी है, उससे आप सेट कर सकते हैं। प्ले टोन विद कॉल एंड, जब आपकी कॉल एंड होगी तब भी आपको एक साउंड सुनाई देगा, जिसे आपकी टोन बोलते हैं, वो टोन आपको सुनाई देगी। अगर आप इसे जरूरत है तो इन्हें आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाती है अलाउ अलार्म नोटिफिकेशन साउंड इन कॉल, अगर आप इस फ्यूचर में जरूरत पड़ती है कभी कभी, जैसे आप कॉल पे हैं, कॉल के दौरान आपके पास जैसे आपने अलार्म सेट कर रखा उसका टाइम हो जाता है, तो जो अलार्म बजेगा वो उसकी साउंड भी आपको सुनाई देगा। बीच में अगर नोटिफिकेशन आती है वो भी आपको सुनाई देगी, अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तब। अगर इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाती है अपने फ़ोन के अंदर अपनी रिंगटोन, अगर आपको सेट करनी तो रिंगटोन यहाँ से सेट कर सकते हैं। कॉल वाइब्रेशन मिल जाती है, जो वाइब्रेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आपको हिसाब से सेट कर सकते हैं वाइब्रेशन आपको किस मोड में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, मीडियम चाहिए, बेसिक, हार्ड बेस चाहिए, टिकटॉक चाहिए या जिकजैक चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद वाइब्रेट बैन रिंगिंग मिल जाती है, जब आपके कोई रिंग फोन आता है रिंगटोन बजती है उसके साथ साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट भी करेगा, अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो। आपकी जिनकी ज़रूरत है तो उन्हें ऑन कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप इन्हें ऑफ भी कर सकते हैं।
यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर जाता है प्ले साउंड फॉर कीपैड टैल। जब आप कीपैड पे कोई नंबर डायल कर दें तो उसकी साउंड भी आपको सुनाई देगा अगर आप से ऑन करेंगे। वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप, कीपैड पे टैप करने पे तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन अगर आपको ऑन करना है तो कर सकते हैं, अगर आपको ऑफ करना है तो इसे ऑफ कर देंगे, वाइब्रेशन आपका ऑफ हो जाएगा। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब आपको ऑप्शन नंबर आता है आंसर एंड एंडिंग कॉल, इस पर आपको जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर आता है रीड कॉलर नेम अलाउड, इसे ऑन करने से आपके फ़ोन के अंदर किसी भी व्यक्ति का अगर फ़ोन आता है तो उसका फ़ोन आपका नाम बोल के बताएगा, लेकिन सभी बताए जब आपने अपने फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ या हेडसेट कुछ भी आपने कनेक्ट कर रखी हुई तब काम करेगा आपके लिए। आंसर ऑटोमेटिकली, आंसर इसे कर लेंगे ऑटोमेटिकली, आफ्टर 10 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी अगर आप इसे ऑन करते हैं तो। प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल, आप इसे ऑन करने से क्या जो आपका वॉल्यूम अप वाला बटन है इसे प्रेस करेंगे तब भी आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। प्रेस साइड की टू एंड कॉल, इसे ऑन करने से क्या जो आपका पावर बटन है अगर आप उसे प्रेस कर देंगे कॉल के दौरान तो आपकी कॉल कट हो जाती है या कॉल एंड हो जाती है, उसके बाद आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसमें आपको एक साउंड है जो आप सेटिंग में से कर सकती हैं, अगर आपको जो पावर बटन है उस पर आप स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाती है, और स्वाइप अप कर देंगे नोटिफिकेशन आपकी ऊपर हो जाती है, वो भी आप सेटिंग में से जाके कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है क्विक डिक्लाइन मैसेज, इसमें जाएंगे, इसमें से आप कोई भी मैसेज अपना सेट कर लेंगे। जैसे आप कहीं बाइक पे, कार में, मीटिंग में हो और आपको कोई मैसेज अपना सेट करना है, जो भी आपको चाहिए कॉल कट करने के बाद तुरंत उस व्यक्ति को पहुँच जाए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से लिख के अपना मैसेज सेट कर सकते हैं। इतनी सेटिंग के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसमें आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इसमें आपके तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जब आपके पास कोई कॉल आती है तो आपकी कॉल स्क्रीन पे किस प्रकार से दिखती है, ये मिनी पॉपअप दिखती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्मॉल पॉपअप हो जाती है। अगर फुल स्क्रीन पे करना है इस प्रकार से देखेंगे तो आपकी इस प्रकार से शो होगी। तो जो भी आपको पैटर्न सही लगता है उसे आप यहाँ से सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यह मिल जाती है वाईफाई कॉलिंग, इसे आप डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, वाईफाई कॉलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉइस मेल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यह मिल जाती है आपको सप्लीमेंट्री सर्विस, इसमें जाके आप इसे ऑन करेंगे। इसे ऑन करने के बाद क्या होता है, आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकती हैं, कॉल वेटिंग की प्रॉब्लम को यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्ड की हमने वीडियो बनाई हुई, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से लोकेशन एक्सेस मांग रहा है, जरूरत हो तो इसे ऑन कर देंगे, हम इसे क्लोज कर देते हैं, इस प्रकार से आप इसे ऑफ कर देंगे। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। इसमें आपको और ऑप्शन देखो मिल जाते हैं, अदर कॉल सेटिंग में चले जाएंगे। अदर कॉल सेटिंग में आपके सारे ऑप्शन देखो मिल जाते हैं, हाइड कॉन्टैक्ट विदाउट नंबर, नंबर विदाउट नंबर के अपने कॉन्टैक्ट हाइड कर सकते हैं। शो कॉलर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इसे ऑन करके शो, शो कॉन्टैक्ट नंबर इन कॉल, अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है उसका नंबर शो करना है तो इसे ऑन कर देंगे, नंबर शो नहीं करना है केवल नाम शो करना है तो इसे आप ऑफ कर देंगे, इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। स्वैप टू कॉल और टैक्स, इसे ऑन करने से क्या होता है, जैसे आप कहीं कॉल कर रहे हैं, जो आपने अपना डायलर ओपन किया उसमें आपको क्या करना है, राइट साइड को स्वाइप करेंगे तो आपकी कॉल लग जाएगी, लेफ्ट के लिए स्वाइप करेंगे तो आप सामने उस व्यक्ति को मैसेज पहुंच जाएगा, मैसेज बॉक्स में पहुंच जाएंगे। जो भी आपको चाहिए वो यहां से आप सेट कर सकते हैं। इतनी सेटिंग के बाद आपको यहां से बैक आ जाना है। नीचे आपको अबाउट मिल जाती है, कॉन्टैक्ट मिल जाती है, जिसे आप अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो। ये थी हमारे फ़ोन की कॉल सेटिंग की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।